हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। ओवैसी को योगी फोबिया हो गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है और ओवैसी ने सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है, योगी का नाम जपना और मुसलमान वोट अपना। यूपी में ओवैसी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है योगी आदित्यनाथ। क्या है उत्तर प्रदेश में ओवैसी का विजन, स्लोगन और मिशन, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन, योगी को यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इंशाल्लाह। मगर हमारी कोशिश यही है। ओवैसी ने योगी को रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ओवैसी के राजनीतिक पत्ते भी खुलते जा रहे हैं। ओवैसी की पॉलिटिक्स का नया टारगेट है योगी आदित्यनाथ। ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज दिया है कि योगी को रोकने की ताकत अगर किसी में है तो वो असदुद्दीन ओवैसी में है, और इसके लिए ओवैसी ने आगे रखा है मजलिस का विजन। ओवैसी की यूपी पॉलिटिक्स का विजन अब उनकी टाइमलाइन पर नजर आने लगा है। ओवैसी ने लिखा है, भारत के मुस्तकबिल को लेकर मजलिस के पास भी एक विजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पैगाम को जनता तक पहुंचाएं, और ये सिर्फ आवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि मजलिस चुनाव लड़ेगी, देश के हर कोने में लड़ेगी, बार बार लड़ेगी, इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, कामयाबी मिले ना मिले वो तो अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा। अरे मैं काश वहां पर चला जाता, कुछ बोल देता। मैं हर चीज, हर मुकाम पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाऊंगा। यूपी चुनाव के लिए ओवैसी ने पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले ओवैसी की पार्टी की तरफ से दो वीडियो रिलीज किए गए हैं। पहले वीडियो में योगी टारगेट हैं और दूसरे वीडियो में मजलिस का विजन है। वीडियो में AIMIM ने बताया है कि हैदराबाद के बाहर यूपी ओवैसी की लड़ाई का 8वां मैदान है। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं ये काम करता रहूंगा, और इसमें मुझे मेरी जमात के मदरसियों के ताउन और उनके दुआओं की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ ठहरेंगे, बल्कि मेरी इनफरादियत के साथ नहीं, जमात के साथ आप अगर ठहरेंगे और बहादुरी के साथ बेखौफ होकर मिसालात का मुकाबला करेंगे। ओवैसी ने बार बार अल्लाह का नाम लिया, बार बार अपनी जमात को याद किया और जमात से कहा कि मजलिस का साथ दो, फिर मजलिस जमात का साथ देगी। अगर मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को अगर आया हूँ तो मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की गली कूचों से निकल कर एक दीवाना गाजियों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन में आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख सकूं। मेरे भाई, मेरा मकसद एक ही है कि आपको अपना जायज मुकाम मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यूपी में ओवैसी का फॉर्मूला क्या है। योगी विरोध के सीमेंट से ओवैसी एक एक मुस्लिम वोट अपने खाते में जोड़ना चाहते हैं। अपनी इस नई पॉलिसी का ऐलान ओवैसी ने बलरामपुर की एक रैली में 3 महीने पहले ही कर दिया था। यहीं से ओवैसी ने यूपी का नया स्लोगन निकाला है कि योगी को यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इंशाल्लाह। नौजवानों, आज भारत में हमको अपने संविधान को बचाना है, इस संकल्प मोर्चे को कामयाब करना है, और बीजेपी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनेगी। इंशाअल्लाह ताला हम ओम प्रकाश राजभर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और हमारे साथ जो आता है आप आइए, नहीं आते तो फिर बाद में जब नुकसान हो जाएगा, जब तुम्हारा महल खंडेर में तब्दील हो जाएगा,
तब तुम शिकायत नहीं करना हमसे, क्योंकि हम तो भिखारी लोग हैं, हमारी फकीरी में अल्लाह ने शाही दी है, तुम बगैर इख्तदार के नहीं रह सकते। अरे हम तो 60 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हमको कोई सत्ता नहीं मिली, हम तो सिर्फ वोट डालने वाले रह गए, वोट डालने वाले रह गए। उत्तर प्रदेश में ये जो नाइंसाफी का दौर चल रहा है उसका खात्मा करके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बड़ा गुरूर है कि खयामत कभी नहीं आएगी। योगी जी, खयामत आएगी इंशाअल्लाह ताला, एक सियासी कयामत आइंदा साल आएगी, और दुनिया की कयामत तो आने वाली है, वो आपको सबको मालूम। बाहर में जाए ये लोग जो बातें करते हैं सेकुलरिज्म, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। बहुत प्रकाश राजभर साहब थे कि हम लीडर नहीं, हम तुमको लीडर बनाने आए और तुमको लीडर बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह होता। सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ नसीरुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी है, प्रकाश राजभर की नहीं है। सेकुलरिज्म का बोझ सबको उठाना पड़ेगा। हम 60 साल से खाली कूली बने हुए, और जो हमारा वोट हासिल करते गए वो नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और हमको एक चपरासी की नौकरी तक नहीं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नाइंसाफियों का खात्मा इसी वजह से हो सकता है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। अब ओवैसी अपने इस विजन को यूपी की जमीन पर उतारेंगे कैसे? 1 जुलाई को ओवैसी ने AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली, हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन, इसके अलावा लखीमपुर और सीतापुर के पार्टी प्रभारियों से मीटिंग की है। ओवैसी ने मीटिंगें शुरू कर दी हैं, लेकिन अब तक सवाल यह है कि ओवैसी का ये प्लान आखिर कितना कामयाब होगा, क्योंकि ओवैसी ये तो चाहते हैं कि यूपी के हर मुसलमान वोट पर पहला हक उनका है, लेकिन वो 3 महीने पहले यूपी के बलरामपुर में हुई रैली में ये ऐलान कर चुके हैं कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर को बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा भाई ओम प्रकाश राजभर बनेगा इंशाअल्लाह। लोग कहेंगे ये सियासी बात कह गया है, नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, BSP को दिया, कांग्रेस को दिया, अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा जिसकी ओम प्रकाश राजभर कयादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एकॉर्ड का इस्तेमाल करें, और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह होता है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी को बहुत चुभने वाला बयान दिया है कि ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी सोच कभी अखंड भारत की नहीं रही है, ये खंड खंड भारत वाली सोच के लोग हैं, इसलिए ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और उसको लेकर टीका टिप्पणी जो ये करते हैं, तो इन्हें पता है कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि ये कोई इस तरह का कृत कर ले जाएंगे, क्योंकि अब भारत इतने टुकड़े होंगे कि गैंग के लोगों के लिए ये बता दें कि हमारी एजेंसियां उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगी जो आज ऐसा सोचेंगे भी भारत को लेकर, क्योंकि ये हमारी अखंड भारत की विचारधारा की सोच की सरकार है। हम भारत को अखंड रखेंगे और जो खंड खंड की सोचते थे उनको खंड खंड करने का काम हमारी पुलिस की एजेंसियां कर रही हैं और आगे भी करेंगी। ये सब उसी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, और उसमें ऐसी विचारधारा के लोग चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या असदुद्दीन ओवैसी जैसे छोटे छोटे दल हो, ये सब उसी विचारधारा के लोग हैं।
ये इसमें विश्वास नहीं रखते। और ये जिस तरह से ओम प्रकाश ने बयान दिया था, तो ओम प्रकाश राजभर के बयान को हम बिल्कुल बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये बयान के पीछे आज एकदम से AIMIM का बयान आना कि यहां पर मुस्लिम समाज से होना चाहिए, तो कहां चले गए बैरिस्टर साहब? आप तो बड़ी दुहाई देते थे सर्कुलरिज्म की, और बड़ी दुहाई देते थे सद्भावना की, और आज आप धार्मिक हो गए, आपकी पार्टी धार्मिक हो गई, अब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने लगी उत्तर प्रदेश में, तो इसका जवाब आपको 22 में जनता देगी। ओवैसी ने स्ट्रेटेजी तो जबरदस्त बनाई है, विजन के साथ स्लोगन भी फिट कर दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल वाला राजनीतिक हादसा फिर यूपी में ना हो जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।